बहुत ही अच्छा था. इवन ऑल आई मीन द ओवरऑल मूवी वॉज रियली गुड. दे बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट. No, I think Tapsee, she did an amazing job in terms of acting and she always did an amazing job, I would say. And in this movie also, she did really, really good. Yeah, I mean, you know, I would say that, you know, all these biopics, they should really come because otherwise we don't get to know that, you know, people have struggled so much in their life. But from watching all these things, we see that, you know, okay, like, you know, the ordinary people, like normal people, they can do so much. So I think we can also do. They were really good. Yeah, sure, sure. Please, guys, go and watch the movie. I'll give 6. फिल्म अच्छी थी. दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग की और इनफैक्ट जितने अदर को एक्टर्स हैं उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की. काफ़ी इंस्पिरेशन था और ऐसा लगता है कि इंडिया में और भी ऐसी स्टोरीज जो अभी तक पहुंची नहीं है थिएटर्स में, तो ये उनमें से एक थी. करीब काफ़ी इंस्पिरेशनल. जिस तरह से वो रिकवर करते हैं और फाइनली वो इंडिया के लिए खेलते हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं. डायरेक्शन के सॉन्ग्स अच्छे थे बट उनका इतना रोल नहीं था मूवी में जितना इम्पोर्टेंट स्टोरी थी इस चीज़ के लिए. 3.5. मूवी काफ़ी अच्छी थी, आई गेस काफ़ी इंस्पायरिंग थी और इतना मेहनत करके सुबह के टाइम आना ये मूवी देखना. एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्ट ये था कि हॉल काफ़ी खाली था एंड हैरानी वाली बात यह है कि रेस 3 जैसी कोई मूवी आएगी तो लोग मतलब जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. बट कितनी अच्छी मूवी, इतना अच्छा स्क्रिप्ट. शाद अली इसके डायरेक्टर हैं हु हैज़ डायरेक्टेड लाइक ग्रेट मूवीज़ इन द पास्ट एज वेल. दिलजीत दोसांझ के लिए भी अच्छा था क्योंकि उड़ता पंजाब के बाद जो उनकी दो मूवीज़ आई हैं उन्होंने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पर किया नहीं था, तो इस तरीके की कुछ मूवी रिक्वायर्ड थी. काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी. एक्चुअली एक्टिंग काफ़ी अच्छी है. अंगद बेदी जिनका एक सपोर्टिंग रोल है, आई गेस मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने जब ट्रेलर देखा था अंगद बेदी का तो मतलब आई फेल्ट कि मे बी शायद किसी और को ले सकते थे, बट इस मूवी में एक्चुअली ने प्रूव किया है. आई फील पर्सनली उनका मतलब ही हैज़ अ ग्रेट करियर अहेड, दैट्स व्हाट आई फील. सर आप अगर देखें तापसी हैज़ एंटर्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री इन द ईयर 2013. पहली मूवी उनकी डेविड धवन के साथ आई थी. तब से लेके अब तक का उनका अगर आप करियर देखें तो आप ये देखेंगे कि उनने सीरियस रोल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है ना. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई एग्जैक्टली शी हैज़ बीन एबल टू डू वेरी वेल. सो आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट एक्टर. आई मीन उनकी एक्टिंग को जज करना तो बहुत बड़ी बात होगी. देखिए डायरेक्शन शाद अली का डायरेक्शन है. शाद अली इज़ द सेम डायरेक्टर हु हैज़ डायरेक्टेड मूवीज़ लाइक बंटी बबली एंड ओके जानू. साथिया भी उन्होंने डायरेक्ट की थी तो उनका डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. और मैं थोड़ा पर्सनली सॉरी फील कर रहा था कि इतनी अच्छी मूवी, इतना अच्छा स्क्रिप्ट एंड उसके बावजूद लाइक हॉल काफ़ी खाली सा था. रेस 3 देखने आया था मैं तो लोग मरे जा रहे थे राइट. एंड अच्छी मूवीज़ देखने के लिए पीपल आर लाइक नॉट विलिंग टू. सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट पीपल शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज दिस इज़ अ ओरिजिनल स्क्रिप्ट, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट यू हैव रिटन राइट. सो ग्रेट जॉब डन. 4.5 श्योर. मोटिवेशनल इंस्पायरिंग. दिलजीत बहुत अच्छा लगा है, उसने बहुत मेहनत करी है इस कैरेक्टर को लेके बिकॉज वो एक ऐसे बंदे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है जो हॉकी प्लेयर है बेसिकली. सो वो लग रहा है हॉकी प्लेयर, उसने बहुत मेहनत करी अपनी बॉडी पे, अपनी एक्टिंग पे एंड या आई एम सॉरी ओके. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ देखना चाहिए हमारे दर्शकों को बिकॉज़ ये रियल लाइफ बेस्ड है, किसी ने ऐसी कहानी नहीं बनाई है. और ऐसे इंसान जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, उसके साथ ट्रैजिक इंसिडेंट होता है, उसके बाद भी वो करके ओवरकम करके जीतता है लाइफ में, तो हमको उसे बहुत सीखना चाहिए.
डायरेक्शन वॉज गुड, ऐसा नहीं लगा कि मतलब कहीं वीक पड़ रही है स्टोरी क्या है, पूरे टाइम बांध के रखते स्टोरी। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट तब जब वो इंटरवल के टाइम पे होता है जब उसको गोली लगती है, एंड मतलब क्योंकि मुझे स्टोरी पहले से पता थी कि बट अगर जिसको नहीं पता उन लोग के लिए कि कैसे वो ओवरकम करता है उस सिचुएशन को, सो वो सबसे बेस्ट पार्ट था। कितने स्टार देने चाहिए आउट ऑफ 5? 5 नो डाउट। वो भी काफ़ी अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है मूवी की। तो आपसे एक साथ कैसे लगे? जोड़ी अच्छी है, स्टोरी काफ़ी अच्छी बनाई है और जोड़ी अच्छी लग रही है। दिलजीत की एक्टिंग काफ़ी अच्छी बनाई है। हॉकी को अपग्रेड करने का एक अच्छा वे यूज़ किया है उन लोगों ने। आई वुड गिव आउट ऑफ लाइक 3.5 स्टार एंड स्टोरी के लिए 4 स्टार। इट वाज ओवरऑल गुड एक्टिंग। नहीं एक्चुअली मूवी एक अच्छा तरीका था दिखाने का, ज़रूर स्पेशली जब इंडिया फुटबॉल और इसकी वगैरह ऐसी मूवी क्रिकेट की इतनी बनती है तो हॉकी की अभी बनी है, इट इज़ अ गुड वे ऑफ अपग्रेडिंग हॉकी। कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 4। थैंक यू। या रेडी, कैसी लगी मूवी शुरू में? इट वाज ऑसम, दिलजीत एज ऑलवेज रॉक्स एंड तापसी पन्नू आल्सो ग्रेट जॉब। दिलजीत माय फेवरेट। सो सात सर डायरेक्टर ऑफ फिल्म के कितना है? डायरेक्शन या गुड, नाइस जॉब। स्टोरी कैसी लगी आपको? काफी अननोन स्टोरी थी बहुत लोगों के लिए। या इट वाज अ रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, सो नाइस। हॉकी को काफी प्रमोट किया है। या हमारे कंट्री में हॉकी को इतना नहीं मानते हैं, लेकिन आई थिंक वी शुड लुक आफ्टर दिस नेशनल गेम आल्सो। ओके, पार्ट ऑफ कितने स्टार्स हैं? 4.5। थैंक यू।